एवरीवन वेलकम बैक। आज हम लोग अपने सेवेंथ फाइलम आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट करेंगे। ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। एट प्रेजेंट इसकी 9 लाख स्पीशीज हैं। पूरी एनिमल स्पीशीज, जितनी भी एनिमल स्पीशीज है उसका 60-70%, दैट इज 2/3 पोर्शन अकेला ये एनिमल फाइलम कवर अप करता है, अकेला आर्थ्रोपोडा फाइलम कवर अप करता है। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द जनरल फीचर्स, प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि वापस हर लेक्चर की तरह मैं इस लेक्चर के एंड में भी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दूंगी जो कि 9 to 10 क्वेश्चंस का होगा और ये इम्पोर्टेंट फाइलम है। सो पहला जनरल फीचर है हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? ये हर जगह मिलते हैं। जैसे पहला है ओशियन, अगर ये ओशियन में मिलेंगे तो एग्जाम्पल है लिम्यूलस, साइंटिफिक नेम अंडरलाइन। अगर ये लैंड पे मिलेंगे तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे एक एग्जाम्पल इसका कॉकरोच हो गया। ये फ्रेश वाटर में अगर मिलेंगे तो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो? डेफनिया। और ऑफ कोर्स एक मीडियम और बचा, अगर ये एयर में मिलेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है हाउस फ्लाई, मस्किटो एंड मेनी अदर। ठीक है, बॉडी सिमेट्री ऑफ कोर्स बायोलेटरल सिमेट्री होगी इनकी। उसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर जर्म लेयर्स ऑफ कोर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगी, यानी कि इसके पास एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म प्रेजेंट होगा। सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी प्रॉपरली सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेशन इनिशिएट कहां से हुई थी? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एनेलिडा फाइलम से इनिशिएट हुई थी। सीलोम, अगर हम सीलोम की बात करेंगे तो इसके पास ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, यानी कि इनके पास मीजोडर्मली लाइन सीलोम प्रेजेंट होता है। और जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स मिलते हैं उसी सीलोम के अंदर। ठीक, तो यहाँ बेसिकली बस हमने ये देखा कि अगर ये ओशियन, लैंड, फ्रेश वाटर, एयर में मिल सकते हैं, डू रिमेम्बर दी एग्जाम्पल्स, बॉडी सिमेट्री बायोलेटरल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, जर्म लेयर्स है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेशन properly segmented body initiated from phylum annelida, and then coelom है तो ये true coelomates होते हैं। और visceral organs कहाँ मिलते हैं? coelom में। अब हम इसके बाकी features देखें। अब हम लोग सेवन फीचर देखेंगे body form। सबसे पहले covering से start करते हैं। body covering मतलब जो exoskeleton है, इनका exoskeleton कैसा है? hard होता है, ठीक है, waterproof है, और किसका बना हुआ है? chitin का बना हुआ है। तो इसी की वजह से एक्सोस्केलेटन को हम काइटेनस एक्सोस्केलेटन भी कहते हैं। अब मैंने अभी यहां पे बोला कि वाटर प्रूफ है, तो इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? सबसे पहला फीचर होगा वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, प्रोटेक्शन देगा। इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट करेगा, बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स से प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर। इसके अलावा जो इनकी बॉडी होती है आर्थ्रोपॉड्स की, वो तीन रीजन्स में डिवाइडेड होती है। कौन से तीन रीजन्स हैं? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा को अगर मैं ब्रेक करूंगी, कैसे ब्रेक करूंगी? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोस मींस जॉइंट एंड पोडा मींस अपेंडेजेस। क्लियर। सो इसी की वजह से हम कहते हैं कि आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं। जो भी आप लोग आगे फीचर्स देखोगे उसमें आपको और क्लियर होगा। सो बॉडी फॉर्म में अभी यही है कि एक्सोस्केलेटन है, हार्ड है, वाटरप्रूफ है, काइटिन का बना है, इसीलिए इन्हें हम काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं कि इनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, प्रोटेक्शन दे रहा है, प्रिवेंट कर रहा है बाहर के एनवायरमेंट से। इनसाइड ऑर्गन्स, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि वाटर प्रूफ है तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। बॉडी में तीन रीजन्स में बॉडी डिवाइडेड होती है आर्थ्रोपोडा की, हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोस मीन्स ज्वाइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस, इसी की वजह से इन्हें हम ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनके पास। यहां से एक नया फीचर आता है कि दे हैव दी ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्थ्रोपोडा का। अपार्ट फ्रॉम इट एक टर्म है जो आप लोगों को याद रखनी है, वो है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस कहो या मोल्टिंग कहो, अब ये क्या है एक्डाइसिस या मोल्टिंग? इसका मतलब होता है कि जो काइटेनस एक्सोस्केलेटन है ये रेगुलर इंटरवल पर शेड ऑफ करता है।
रेगुलरली शेड ऑफ करता है। अब क्यों शेड करने की जरूरत है, क्यों इसको रिमूव होने की जरूरत है रेगुलर इंटरवल्स पर, इसलिए रिमूव होने की जरूरत है ताकि बॉडी रेगुलरली ग्रो कर सके, बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं उनको अंदर स्पेस मिल सके, उसके लिए इस प्रोसेस का होना जरूरी है। सो एक्डाइसिस और मोल्टिंग मीन्स शेडिंग ऑफ द काइटिनस एक्सोस्केलेटन एट रेगुलर इंटरवल्स, ताकि बॉडी का रेगुलर डेवलपमेंट हो सके और ग्रोइंग ऑर्गन्स को इंटरनल स्पेस मिल सके। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे, कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ऑफकोर्स कंप्लीट होगा, यानी कि इसके पास दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, एक इंजेशन के लिए और एक फूड के, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसके रिमूवल के लिए। कंप्लीट के बाद डाइजेशन कैसी है, इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, मतलब सेल के बाहर होती है फॉर ऑब्वियस। इसके अंदर भी क्या है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करेगा, जो कि डाइजेशन में फर्दर हेल्प कर सके। तो यहाँ पे हमने भले ही दो फीचर्स पढ़े, लेकिन ये बॉडी फॉर्म वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी चीजें पता चली कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, रेगुलर इंटरवल पर शेड करेगा, एक्टाइसिस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और जॉइंटेड अपेंडेजेस या आर्थ्रोपोडा नाम इसका, ये वाला जो फीचर है ये कैरेक्टरिस्टिक है, और आर्थ्रोपोडा नाम ही इसका इस जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से पड़ा है। आर्थ्रोस जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। अब हम लोग नाइन्थ फीचर देखेंगे, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या काम होता है इनका, ये फैसिलिटेट करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम दी, मतलब हेल्प करते हैं बेसिकली ऑक्सीजन के पास होने में फ्रॉम दी एनवायरमेंट अक्रॉस द बॉडी सरफेस। क्लियर। तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, वेरियस टाइप के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है इसमें गिल्स, जो गिल्स हैं वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में मिलते हैं, इसका एग्जाम्पल है क्रैब्स और प्रॉन्स। फिर इसके बाद इनके पास प्रेजेंट होते हैं बुक गिल्स। ठीक है, बुक गिल्स में क्या है, कहां मिलता है, पहले इसका एग्जाम्पल देख लो, लिम्यूलस में मिलता है। इनके पास प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हम इन्हें बुक गिल्स क्यों कहते हैं उसका रीजन दे रही हूं मैं आपको। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लेमिली कहते हैं। ये जो लेमिली है ये पैरेलल होता है एक दूसरे के, हर एक लेमिली दूसरे के पैरेलली अरेंज होगा, एकदम कैसे, जैसे हमें बुक्स के अंदर पेजेस अरेंज मिलते हैं, इसकी वजह से इन्हें हम बुक गिल्स कहते हैं। फिर थर्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो है वो है बुक लंग्स। बुक लंग्स जो है दे आर द मॉडिफिकेशन ऑफ बुक गिल्स। इनका एग्जाम्पल क्या है, स्कॉर्पियंस आते हैं इसके अंदर और इसके अंदर स्पाइडर्स आते हैं। ठीक, फिर अगला है वो है ट्रेकियल सिस्टम। जो ट्रेकियल सिस्टम है ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड और एफिशिएंट गैस एक्सचेंज सिस्टम है। ठीक है, ये मोस्टली हर आर्थ्रोपोड में मिलता है इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। इनके पास ब्रांच्ड इलास्टिक एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और उन एयर ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया कहते हैं। और ये ट्रेकिया जो है ये बाहर की तरफ खुलती है, ओपन आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स की मदद से खुलती है। क्लियर। तो आप बटरफ्लाई, कॉकरोच, हाउसफ्लाई, मस्किटो, किसी में भी ये ट्रेकिया प्रेजेंट होगा। तो हमने यहां पर देखा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में चार रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं पैसेज ऑफ ऑक्सीजन को अक्रॉस द बॉडी सरफेस। गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम। बुक गिल्स को बुक गिल्स क्यों कहते हैं उसका रीजन मैं आप लोगों को दे चुकी हूं। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनका, ओपन होता है, यानी कि इनके पास कोई भी प्रॉपर वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, डायरेक्ट फ्लो हो रहा होता है बॉडी में ब्लड का। इसकी वजह से जितने भी ऑर्गन्स हैं दे आर डायरेक्टली बेथ्ड इनटू द ब्लड। तो क्योंकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम इतना पुअरली डेवलप्ड है, इसी वजह से इसको कंपेंसेट करने के लिए इनका रेस्पिरेटरी। अब हम लोग अगले फीचर से स्टार्ट करेंगे, कौन सा है, सेंसरी सिस्टम। एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, कौन कौन से एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, साइट। ठीक है, तो इन सबको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, सेंसरी ऑर्गन्स करते हैं। पहला सेंसरी ऑर्गन जो आर्थ्रोपोड्स में मिलता है वो है एंटीने। एंटीने क्या है, ये प्लूरल फॉर्म होती है और एंटीना इसकी सिंगुलर है। कैसे है, विपलाइक है। विपलाइक मतलब कि ये मूवेबल है। ठीक, और इसके अलावा इनकी स्लेंडर फॉर्म है एंड ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और एंटीने जो है वो फर्दर कैसे होते हैं, सेगमेंट से कवर्ड होते हैं, सेगमेंट्स के बने हुए होते हैं, नॉट कवर्ड, पार्डन, एंटीने जो है वो सेगमेंट्स के बने हुए होते हैं। और इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या है, एंटीना। इनके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं टेस्ट और स्मेल के लिए। अगर स्मेल के लिए रिसेप्टर है तो वो होगा ऑल्फैक्टरी, और अगर टेस्ट के लिए रिसेप्टर है तो वो होगा टेक्टाइल।
क्लियर। ऐसा ही मॉस्किटोज के पास, मॉस्किटोज के केस में एक जॉनस्टन्स ऑर्गन एंटीना पे प्रेजेंट होता है। ये जॉनस्टन्स ऑर्गन का काम क्या है, ये डिटेक्ट करता है वाइब्रेशंस को, ठीक, वाइब्रेशंस को परसीव करने में, डिटेक्ट करने में ये हेल्प करेगा। क्लियर है? तो जॉनस्टन्स ऑर्गन वाइब्रेशन को परसीव करने में या डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और एंटीने सेगमेंट्स के बने होते हैं और ये सारे इसके फीचर्स है कि विप लाइक है, मूवेबल है, सिलेंडर फॉर्म है, पेयर फॉर्म है, अगर स्मेल के लिए तो ऑल्फैक्टरी और टेस्ट के लिए तो रिसेप्टर्स हैं, तो टेक्टाइल रिसेप्टर्स होंगे। स्मेल के लिए रिसेप्टर्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, टेस्ट के लिए रिसेप्टर्स जो एंटीने में प्रेजेंट है दे आर टेक्टाइल रिसेप्टर्स। अगले सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो है आईज। दो तरीके की होती है, सिंपल होती है और कंपाउंड होती है। अगर सिंपल आई में कह रही हूं प्रेजेंट है, तो सिंपल आई को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलाई बोलते हैं। ऑसिलाई क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है, जो इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है वो है ऑसिलस। सिंगुलर इज ऑसिलस एंड प्लूरल इज ऑसिलाई, ये प्लूरल है। उसके बाद कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज जो है ये अनदर स्मॉल छोटी छोटी यूनिट्स की बनी हुई होती है, वो क्या है, ओमेटीडिया। क्योंकि इंसेक्ट आइज की बहुत वेल डेवलप्ड विजन नहीं होती है। कैसी विजन होती है इनकी, मोज़ेक विजन प्रेजेंट होती है, ठीक, बहुत ज्यादा क्लियर विजन नहीं होती है। और ये कैसी लाइट्स को डिटेक्ट करते हैं, ब्राइट और डिम लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं। जो भी डेंजर है आसपास उसको डिटेक्ट करने में ये आईज बेसिकली हेल्प करती है। मोज़ेक कह रही हूं मतलब कि बहुत ब्लरी इमेज बनाएंगे, ब्राइट और डिम लाइट को डिटेक्ट करेंगे, आसपास के डेंजर को डिटेक्ट करेंगे। इसके बाद थर्ड इनके पास जो सेंस ऑर्गन है वो होता है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट क्या है, ये इनका बैलेंसिंग ऑर्गन है। बैलेंसिंग ऑर्गन का काम क्या होता है, जो स्टेटोसिस्ट है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट बॉडी की क्या पोजीशन है, वो इंफॉर्मेशन ये ब्रेन को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये बैलेंसिंग ऑर्गन हो गया स्टेटोसिस्ट। जो बाकी अदर इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मॉस्किटोज वगैरह है, उनके पास या हाउस फ्लाइज हो गई, उनके केस में जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वो कौन सा होता है, हॉल्टेयर्स भी इनके बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। ये क्या है, सेकेंड पेयर रिड्यूस्ड विंग्स होते हैं, ठीक है, होने तो ये विंग्स चाहिए थे लेकिन कैसे होते हैं, सेकेंड पेयर रिड्यूस्ड विंग्स होते हैं, ये भी बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। तो यहां पर सेंसरी सिस्टम में एंटीना है, आईज है, स्टेटोसिस्ट है, और एंटीना के पास मॉस्किटोस के केस में जॉनस्टन्स ऑर्गन है जो कि वाइब्रेशन परसीव करेंगे, और स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है। लेकिन मॉस्किटोस या हाउसफ्लाइज वगैरह जैसे इंसेक्ट्स के केस में यहाँ पे हॉल्टेयर्स भी बैलेंसिंग ऑर्गन वाले होते हैं, हॉल्टेयर्स बैलेंसिंग ऑर्गन का काम कर रहे होते हैं, सेकेंड पेयर रिड्यूस्ड। अब हम कंटिन्यू करेंगे अगले फीचर से जो कि है एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या होता है, इनके पास मालफीजियन टिब्यूल्स होती है। मालफीजियन टिब्यूल्स का काम क्या होता है, ये वेस्ट रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। कैसा नेचर है इनका, फाइन लॉन्ग स्मॉल ट्यूब्स होती है ये। स्मॉल ट्यूब्स का मतलब क्या है, ब्लाइंड टिब्यूल्स, ठीक है। इनका जो वेस्ट है नेचर में कैसा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अलोंग विद द फीसेस इजेस्ट आउट हो जाता है थ्रू एनस, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्लियर। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, कैसा है, डायोशियस होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, यानी कि मेल और फीमेल इसके अंदर सेपरेट होते हैं। ये मैंने आपको सिंबल बताया था, ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। इसके बाद ये ओवीपैरस होते हैं, यानी कि एग ले करने का काम करते हैं, एग लेइंग होते हैं, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन क्या है, स्कॉर्पियंस। ये कैसे होते हैं नेचर में, वीवीपैरस होते हैं, यानी ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। एगले करने की बजाय दे ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग फोर्थ यंग वंस। फिर फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल होगी, लेकिन आई वुड रादर से यूजुअली इंटरनल होगी। यूजुअली मींस जितने भी लैंड आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट कैसी होगी, डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। इनडायरेक्ट है मतलब लार्वल फॉर्म्स इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ पे यही था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए दे हैव मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे आर डायोशियस, ओवीपैरस मोस्टली, बट एक्सेप्शन इज स्कॉर्पियंस, दे आर वीवीपैरस। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल, बेसिकली इन द केस ऑफ लैंड आर्थ्रोपोड्स, एंड डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब हम लोग मोड्स ऑफ डेवलपमेंट स्टडी करें। नाउ वी विल स्टडी
फोर ग्रुप्स किसके बेसिस से पढ़ेंगे, मोड ऑफ डेवलपमेंट के, मतलब मेटामॉर्फोसिस के। मेटामॉर्फोसिस क्या है, एग से एडल्ट तक जो भी बीच में स्टेजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, जिसके थ्रू फाइनली एडल्ट बन रहे, दैट इज रेफर टू एज द मेटामॉर्फोसिस, राइट। तो सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, ए मेटाबॉलिक डेवलपमेंट शो करने वाले। तो ए मेटामोलस डेवलपमेंट का मतलब क्या है, नो मेटामॉर्फोसिस, यहां पर कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही है। इसका एग्जांपल क्या है, सिल्वर फिश, यानी यहां पर एग से एडल्ट तक कोई ऐसे अलग चेंजेस देखने को, कोई अलग अलग स्टेजेस देखने को नहीं मिल रही। इन जनरल स्टेजेस होती कौन सी है, एग है, यंग वंस है, एंड देन एडल्ट है, यही तीन स्टेजेस होती हैं। यहां पर ऐसी कोई मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलती, एंड द एग्जांपल इज सिल्वर फिश। अगला है पोरो मेटाबोलस डेवलपमेंट, यानी कि यहां पर ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। व्हाट आई मीन बाय ग्रेजुअल इज, यहां एग है, एग से निम्फ बनेगा, ये निम्फ क्या है, यंग वन, ठीक है, और फिर फाइनली एडल्ट बनेगा, दैट इज इमैगो। एडल्ट को क्या कहते हैं, इमैगो कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, कॉकरोच, ग्रास होपर के अलावा आप बेडबग ले सकते हो, टर्माइट्स हैं, मेनी अदर, ठीक है, बहुत सारे अदर एग्जांपल्स हैं, लोकस्ट ले सकते हो। तो ये इसके एग्जांपल हैं। अब यहां पर क्या है और इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, मैं पहले बताती हूं। यहां पे जो यंग वन और एडल्ट हैं, इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। एक तो ये भी विंगलेस है, इनके पास भी विंग्स नहीं होते। यहां यंग वंस विंगलेस होते हैं, ये तो होते ही विंगलेस हैं, ये विंगलेस हैं, ठीक है, ये विंगलेस हैं। यहां पर क्या है, जो यंग वन है वो विंगलेस होता है, एडल्ट और इसमें ये डिफरेंस है बस, कि ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो मोड ऑफ लाइफ है वो इन दोनों की सेम होती है, ठीक है। मतलब कि जो मोड ऑफ लाइफ एडल्ट फॉलो करेगा वही सेम मोड ऑफ लाइफ यंग वंस फॉलो करेगा, पर स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ये विंगलेस है, इसके पास विंग्स है। अब हेमी मेटाबोलिस का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या है, यहां पर एग है, निम्फ की जगह नायड है, ये भी क्या है, यंग वन होती है, यंग वन स्टेज है, उसके बाद फाइनली यहां क्या बनेगा, इमैगो यानी एडल्ट बनेगा। ये किस में देखने को मिलती है, इसका एग्जांपल क्या है, ड्रैगन फ्लाइज है एंड मे फ्लाइज है। अब इनमें क्या डिफरेंस है, कम से कम यहां पर जो मोड ऑफ लाइफ है, जो इनिशियल स्टेजेस हैं, जो इनिशिएटिंग स्टेज है, आप कुछ भी बोल सकते हो, मोड ऑफ लाइफ में आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, कम से कम वो यहां यंग वंस और एडल्ट में सेम तो थी। यहां तो यंग वंस और एडल्ट में स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है और ये मोड ऑफ लाइफ में भी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, ए मेटाबोलस जो कि कोई मेटामॉर्फोसिस शो नहीं कर रहे, विंगलेस है, सिल्वर फिश। पोरो मेटाबोलस का मतलब है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस शो कर रहे हैं, यानी कि निम्फ यानी यंग वंस और एडल्ट मोड ऑफ लाइफ में सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, और ये मोड ऑफ लाइफ में और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से डिफरेंस है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो यंग वंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यंग वंस को जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यहां पे निम्फ और नायड कहोगे, जैसे अभी आप आगे जब पढ़ोगे लार्वल स्टेजेस वगैरह, देयर इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इंस्टार लार्वा, सेकेंड इंस्टार लार्वा, जो हम लोग फ्रूट फ्लाई वगैरह की स्टेजेस में देखते हैं। तो यंग वंस को क्या कहते हैं, इंस्टार्स कहते हैं, ठीक है। तो वो यंग वंस मतलब इंस्टार्स, मतलब कि वो मोल्टिंग के बाद, हर एक मोल्टिंग के बाद जो यंग वन बन के आ रहा है उसे इंस्टार कहते हैं, और दो मोल्टिंग्स के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेडियम कहते हैं, वी कॉल दैट एज स्टेडियम, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हर एक मोल्टिंग के बाद जो यंग वन बन रहा है दैट इज रेफर्ड एज इंस्टार्स। जैसे आप अगर कभी लाइफ साइकिल स्टडी करोगे आगे जाके फ्रूट फ्लाइज की, यू विल कम अक्रॉस, बड़ी क्लासेस में आप लोग देखोगे फ्रूट फ्लाइज के में, कि फर्स्ट इंस्टार लार्वा, सेकेंड इंस्टार लार्वा होता है। तो यंग वंस जो मोल्टिंग के बाद बन रहे हैं उन्हें इंस्टार्स कहते हैं, और दो मोल्टिंग्स के बीच के पीरियड को, जो टाइम गैप है, जो पीरियड है, उसे हम क्या कहते हैं, दो मोल्टिंग्स के बीच के पीरियड को स्टेडियम कहते हैं, क्लियर। तो यहां भी हमने सिर्फ तीन मोड्स ऑफ डेवलपमेंट देखी है, अभी एक मेन और बाकी है जो कि होलो मेटाबोलस होती है, अब हम उसको भी देखते हैं। अब जो फोर्थ ग्रुप है वो कौन सा है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का। यहां पर कैसी मेटामॉर्फोसिस है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। अब यहां पर क्या है, एग होता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से फाइनली यहां एडल्ट बनता है, ठीक है। तो ये किससे मिलेगी, बटरफ्लाइज, मॉथ, हाउस फ्लाइज,
ठीक है, बीटल्स, इन सब में ये देखने को मिलते हैं, मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है इनके अंदर। अब जो कैटरपिलर है वो किसका लार्वा है, बटरफ्लाइज और मॉथ का। हाउस फ्लाइज के लार्वा को क्या बोलते हैं, मैगट। बीटल के लार्वा को ग्रब। मॉस्किटो के लार्वा को रेगुलर। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज याद कर लेना। होलोमेटाबोलिसिस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, आपको कहां कहां मिलेंगे ये एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो। बटरफ्लाइज, मॉथ, हाउस फ्लाइज है, बीटल, मॉस्किटोस, इन सब में आपको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी। एंड डू रिमेम्बर देयर नेम्स ऑफ द लार्वा। अपार्ट फ्रॉम इट एक एक्स्ट्रा डेवलपमेंट भी है जो डिस्कवर हुई थी, वो कौन सी है, हाइपर मेटाबोलिस। ये कैसी डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर जितने भी यंग वंस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से ही डिफर कर रहे होते हैं। यंग वंस एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं, किसके मोड में, किस किस चीजों में डिफर कर रहे होते हैं, हैबिट में, फूड में, डेवलपमेंट में, हर चीज में दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हैबिट ऑफ फूड इज अ मेन, मतलब वो डिफर कर रहे होते हैं उनमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइटा। लाइटा इज द एग्जाम्पल, कॉमन नेम इज ग्लिस्टर बीटल। ब्लिस्टर बीटल इसका कॉमन नेम है। सो इनके अंदर क्या है, यहाँ पे यंग वंस ही डिफर कर रहे होते हैं, ठीक है, हैबिट, फूड वगैरह में यंग वंस डिफर कर रहे होते हैं। दिस इज द हाइपर मेटाबोलिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। यहां हमने फोर ग्रुप्स ऑफ डेवलपमेंट देखे होलोमेटाबोलिस तक, एंड दिस इज एडिशनल वन, ये लार्वाज है। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट्स। क्या क्या माउथ पार्ट्स हैं, ये जितनी भी लिखी है ये सारी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। सो वन लेब्रम, वन लेबियम, वन हाइपोफेरिंग्स, टू मैंडिबल्स एंड टू मैक्सिले, तो ये क्वांटिटीज हैं इनकी, ठीक। अब इन माउथ पार्ट्स की क्या मॉडिफिकेशन है, क्या टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ग्रास ऑपर और कॉकरोच में मिलता है। सेकेंड है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पियर्सिंग जो है इज बीइंग डन बाय प्रोबोसिस, और प्रोबोसिस किसकी मॉडिफिकेशन है, लेबियम की। लेबियम की मॉडिफिकेशन से प्रोबोसिस बनता है, एग्जाम्पल मस्किटोज एंड बेड बग्स। देन आता है च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, हनी बीज इसका एग्जाम्पल है, और हनी बीज को लैपर्स कहते हैं। लैपिंग क्या है, लैपिंग मीन्स ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग कैसे कर रहे हो, बाय स्कूपिंग विद टंग, टंग की मदद से ये स्कूप करते हैं, स्कूपिंग करते हैं, और उस फंक्शन को हम लैपिंग कहते हैं। तो लैपिंग इज बेसिकली ड्रिंकिंग समथिंग, क्लियर। और वो ऑर्गेनिजम्स जो लैपिंग परफॉर्म करते हैं उन्हें हम लैपर्स कहते हैं। फिर आता है स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट, ये किसे मिलते हैं, हाउस फ्लाइज में, यहाँ मैंडिबल्स एब्सेंट होते हैं। ये किस पे फीड करते हैं, शुगर पे फीड करते हैं, और इसमें ये क्या करते हैं, अपना सलाइवा सिक्रीट करते हैं शुगर पे, उसको लिक्विफाई करते हैं और उस लिक्विड फूड को सक करते हैं। लास्ट है साइफनिंग टाइप, बटरफ्लाइज और मॉथ्स में मिलता है। यहाँ पे प्रोबोसिस किसकी मॉडिफिकेशन से बना है, मैक्सिले की मॉडिफिकेशन से बना है। यहाँ लेबियम की मॉडिफिकेशन से बना था, यहाँ मैक्सिले की मॉडिफिकेशन से बना है। सो यहाँ पे हमने देखो क्या क्या माउथ पार्ट्स हैं, कितने टाइप के हैं, उनके एग्जांपल्स, फंक्शंस एंड मॉडिफिकेशन। वी विल हैव अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द हनी बीज। सबसे पहले हम हाइव के बारे में बात करेंगे, ये क्या कंटेन करता है, नंबर ऑफ हेक्सागोनल सेल्स। मैंने ब्रूड सेल्स का एक पॉइंट मेंशन किया है, ब्रूड सेल्स में कौन होते हैं, यंग बीज होती हैं। स्टोरेज सेल्स में क्या होता है, ये फूड स्टोर करते हैं। एक इनके पास रॉयल चैम्बर होता है, और चैम्बर होता है फॉर द वर्कर्स एंड द ड्रोन्स। इसके बाद हमें पता है कि जो बी है वो कैसी है, सोशल इंसेक्ट है, पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट है, मतलब कि एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है। तो मैंने यहाँ पे उसकी तीन कास्ट मेंशन करी है, एक है क्वीन, ड्रोन्स एंड वर्कर्स। जो क्वीन है वो कैसी है, फर्टाइल फीमेल होती है, ड्रोन्स मेल हनी बीज होते हैं, और वर्कर्स स्टेराइल फीमेल बीज होती है। तो जो क्वीन और ड्रोन्स ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं, नुपशियल फ्लाइट में। एक क्वीन होगी एक हाइव में, ठीक है, हमेशा एक क्वीन होती है। तो जब ये नुपशियल फ्लाइट में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, तो उस कॉपुलेशन के बाद जो ड्रोन है, जो मेल बी है, वो कभी हाइव में वापस नहीं आती। अब यहाँ पे मैंने एक और मेंशन किया है अबाउट द स्काउट बीज। स्काउट बीज का काम क्या होता है, ये फूड के लिए सर्च करते हैं, और जब इनको फूड सोर्स मिल जाता है तो ये मैसेज कन्वे करते हैं टू द वर्कर बीज। वर्कर बीज को मैसेज कैसे कन्वे करेंगे, थ्रू देयर डांस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हनी बीज का, कि इनको डांस से अपना ये कन्वर्सेशन करते हैं रिगार्डिंग फूड। तो दो तरीके के डांस होते हैं, राउंड डांस एंड टेल वैगिंग डांस। तो राउंड डांस कब करते हैं, जब फूड सोर्स 75 मीटर से कम डिस्टेंस में होता है, और अगर लॉन्गर डिस्टेंस में होगा फूड सोर्स, ज़्यादा डिस्टेंस होगा 75 मीटर से, दे परफॉर्म द
टेल वैगिंग डांस। तो कार्लवॉन फ्रिश को 1973 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। एंड जितनी भी पोटेंशियल क्वींस होती हैं वो किस पे फीड करती हैं, रॉयल जेली पे फीड करती हैं। जो यंग वर्कर्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, रॉयल जेली सिक्रीट करते हैं। और जो वर्कर्स हैं उनके पास एक पोलन कलेक्टिंग अपैरेटस होता है, हनी स्टोरिंग मैकेनिज्म होता है और वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। प्लीज डू नोट दीज पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हनी बी का, इनके हाइव के बारे में, कास्ट के बारे में, इनके डांस के बारे में और वर्कर बीज के पास क्या क्या है। पोलन कलेक्टिंग अपैरेटस है, हनी स्टोरिंग मैकेनिज्म है और वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं। अब हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे हनी बी की कैसी होती है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हनी बी की लाइफ साइकिल की, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे उसमें पिक्चर फॉर्मेट में दिखाया हुआ है कि जो क्वीन हनी बी है उसके फर्टिलाइज्ड एग डिप्लॉयड होंगे और वो फीमेल ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, या तो क्वीन बी या फिर वर्कर बी। और आप देख सकते हो उसी में एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो एग जो कि स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो मेल ऑफस्प्रिंग बनाएगा, यानी कि ड्रोन, यानी कि मेल बी बनाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड भी एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें थोड़ा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया है, जो हैप्लॉयड एग्स होते हैं जब वो हैप्लॉयड स्पर्म से फर्टिलाइज करेंगे तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। अब डायट कंट्रोल आता है, अब वो जाइगोट किस पे फीड कर रहा है, अगर रॉयल जेली पे फीड कर रहा है एक तरीके से, जो कि यंग वर्कर्स सिक्रीट करते हैं, तो अगर वो रॉयल जेली पे कौन फीड करता है, मोस्टली क्वीन, तो अगर वो रॉयल जेली पे फीड कर रहे हैं मतलब डायट डिसाइड करती है कि वो फर्टाइल फीमेल बनेगी या स्टेराइल फीमेल बनेगी। और अगर स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो पार्थेनोजेनेसिस के मैकेनिज्म से एक फर्टाइल मेल बनेगा, लेकिन वो कैसा होगा, नेचर में हैप्लॉयड होगा पर फर्टाइल होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोड, सबसे पहले हैं इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट्स जिनसे हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है एपिस। एपिस का कॉमन नेम क्या है, हनी बी, या हनी प्रोवाइड करता है, जिसके दो यूजेज हैं, ये फूड में भी यूज होता है और एज अ मेडिसिन भी यूज होता है। देन दूसरा एग्जाम्पल है बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स का कॉमन नेम क्या है, सिल्क वर्म, ये सिल्क प्रोवाइड करता है जो कि साड़ीज, शॉल्स और बाकी गार्मेंट्स में यूज होता है। देन थर्ड एग्जाम्पल इज लेसिफर, लैक इंसेक्ट। लैक का जो सिक्रीशन है ये कैसे काम करता है, लैक कैसे काम करता है, इट एक्ट एज अ सीलिंग वैक्स। ठीक है, बैंगल्स और टॉयज वगैरह बनाने में भी काम आता है। देन अदर आर्थ्रोपोड्स वेक्टर्स की तरह काम करते हैं, जिसका पहला एग्जाम्पल है एनोफिलीज। एनोफिलीज जो है ये किसका वेक्टर है, वेक्टर्स मतलब ट्रांसमिटर्स, जो कि ट्रांसमिटर्स हैं किसके, डेडली डिजीज के। तो एनोफिलीज जो है ये वेक्टर है मलेरिया का। क्यूलेक्स जो है ये वेक्टर है फिलेरियासिस का, यानी एलिफेंटियासिस का, जिसका हमने प्लेटीहेलमिंट्स में पढ़ा था। ठीक है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। देन थर्ड वेक्टर है एडीज। एडीज जो है ये क्या स्प्रेड करता है, डेंगी फीवर और चिकनगुनिया। देन जीनोसाइला या रैटफ्ली जो है ये स्प्रेड करता है प्लेग। तो प्लेग जो है ये किससे स्प्रेड होता है, इस वेक्टर से। फिर ग्लोसीना जो है ये स्प्रेड करता है स्लीपिंग सिकनेस, और जो फ्लेबोटोमस है यानी सैंडफ्लाई, ये ट्रांसमिट करता है काला आजार। अब ग्रिगेरियस पेस्ट भी होते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट मतलब वो पेस्ट, वो एनिमल्स जो कि हार्मफुल हैं टू द ह्यूमन और ह्यूमन कंसर्न्स। तो जो लोकस्ट है ये वो पेस्ट होता है जो कि डेंजरस है टू द क्रॉप्स, हैवी डैमेज कॉज करता है टू द वेजिटेशन। ठीक है, ये ग्रिगेरियस क्यों है, दो ग्रुप्स में रहते हैं ऑफ सेम इंडिविजुअल्स, अपने जैसे इंडिविजुअल्स के साथ ग्रुप में रहेंगे, बट दे डू नॉट हेल्प वन अनदर। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फाइलम इज क्लासिफिकेशन पार्ट। पांच क्लासेस हैं इसकी, तो पहले हम दो क्लासेस देखते हैं। सबसे पहली क्लास है क्रस्टेशिया। ठीक है, इनकी बॉडी किसमें डिविजिबल होती है, सेफेलोथोरिक्स और एब्डोमिन में। सेफेलोथोरिक्स क्या है, हेड और थोरिक्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है दैट इज सेफेलोथोरिक्स। कैरापेस जो है ये डॉर्सली कवर करता है किसको, सेफेलोथोरिक्स को। तो ये एक्सोस्केलेटल कवरिंग है किसकी, सेफेलोथोरिक्स की, और डॉर्सली कवर करता है। ठीक, उसके पास दो पेयर्स ऑफ एंटीना होते हैं, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होती है। रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस या गिल्स से होगा, गिल्स से किसमें होते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद करने बहुत इजी हो जाएंगे आप लोगों को, क्रैब्स और प्रॉन्स वगैरह आएंगे इसमें। फिर रेस्पिरेशन हो गया, अब एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड से होता है, इन्हें हम एंटीनरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स कहो या एंटीनरी ग्लैंड्स कहो। उसके बाद लार्वा कैसा है, नोक्लियस और जोया। अगर मैं कह रही हूँ नोक्लियस और जोया लार्वा है, इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुई, जब लार्वा
इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो डेवलपमेंट विल बी इनडायरेक्ट. एग्जाम्पल्स क्या है इसके, पेलियोमॉन, कॉमनेमिस प्रॉन, ल्यूसीफर श्रिम्प, यूपैरागस हर्मिट क्रैब, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैंने थोड़े से दिए हैं यहाँ पे. तो ये हमारी पहली क्लास थी. दूसरी क्लास कौन सी है, चिलोपोडा. लॉन्ग है, सेगमेंटेड है, बॉडी डिविजिबल है हेड और ट्रंक में. यहां पर सेफेरोथोरिक्स और एब्डोमेन था, यहां हेड और ट्रंक है. यहां पर हर एक ट्रंक का जो सेगमेंट है, ईच ट्रंक सेगमेंट, ठीक है, देयर शुड बी सेगमेंट, ईच ट्रंक सेगमेंट बियर वन पेयर ऑफ लेग. हर एक ट्रंक सेगमेंट में एक पेयर ऑफ लेग होगा. बहुत सारे लेग्स होते हैं, मेनी लेग्स प्रेजेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. वन पेयर ऑफ एंटीना और ओसिलाई है, मतलब सिंपल आई है इसमें, ठीक. रेस्पिरेशन ट्रेकिया से हो रहा है, जो कि सबसे कॉमन सिस्टम होता है रेस्पिरेशन का अमंग ऑल दी आर्थ्रोपोड्स. एक्सक्रीशन मालफीजियन ट्यूब्यूल से हो रहा है, और यहाँ पे एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड से हो रहा था. डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब कोई लार्वा इन्वॉल्व नहीं है. इसका एग्जाम्पल क्या है, स्कोलोपेंड्रा, कॉमन नेम इज सेंटीपीड. तो ये याद रखना, कैरापेस किसकी कवरिंग है, यहाँ पर वन पेयर ऑफ एंटीना एंड ओसिलाई है, सिंपल आईज प्रेजेंट है. हर एक ट्रंक सेगमेंट एक पेयर ऑफ लेग कंटेन करती है, होल्ड कर रही है. बॉडी डिविजिबल है हेड और ट्रंक में, लॉन्ग और सेगमेंटेड बॉडी है, क्लियर. और रेस्पिरेशन किससे है, एक्सक्रीशन किससे है, यहाँ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट है. अब हम बाकी क्लासेस देखते हैं. सो बिफोर आई स्टार्ट विद क्लास डिप्लोपोडा, मैं चिलोपोडा का एक पॉइंट आप लोगों को मेंशन करना चाहती हूँ. मैंने आपको बताया था कि एक ट्रंक सेगमेंट जो है वो वन पेयर ऑफ लेग कंटेन करती है, तो जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है वो किसमें मॉडिफाई हो जाती है, पॉइजन क्लो में मॉडिफाई हो जाती है. अब यहाँ पे हम देखेंगे डिप्लोपोडा के फीचर्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नोट, ओके. फर्स्ट पेयर ऑफ लेग इन केस ऑफ चिलोपोडा मॉडिफाइज इनटू पॉइजन क्लो. अब यहाँ पर डिप्लोपोडा है, क्या बॉडी डिविजन है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है. इनके पास वन पेयर ऑफ एंटीना एंड ओसिलाई है. पहली थोरेसिक सेगमेंट को छोड़कर हर एक थोरेसिक सेगमेंट वन पेयर ऑफ लेग कंटेन करेगी. रेस्पिरेशन ट्रेकिया से है, एक्सक्रीशन मालफीजियन ट्यूब्यूल से है, एंड डेवलपमेंट इसकी डायरेक्ट है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्वा. एग्जाम्पल क्या है, जूलस मिलीपीड. चिलोपोडा एग्जाम्पल क्या था, स्कोलोपेंड्रा, कॉमन नेम इज सेंटीपीड. अब यहाँ पर इंसेक्टा देखो, इंसेक्ट क्लास जो है, या इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होती है. बॉडी डिविजन इज हेड, थोरिक्स एंड एबडोमिन, वन पेयर ऑफ एंटीना एंड वन पेयर ऑफ कंपाउंडाइज. थोरिक्स में तीन सेगमेंट्स हैं, ईच सेगमेंट इज बियरिंग वन पेयर ऑफ लेग, तो तीन पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होती हैं. हर एक सेगमेंट में एक लेग है, तीन सेगमेंट्स, तीन पेयर्स ऑफ लेग्स. दो पेयर्स ऑफ विंग्स है इनके पास. मीजोथोरेसिक थिक लेदरी कवरिंग को टेग्मिना कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, डू नोट इट, ठीक. उसके बाद आपके पास आता है एब्डोमिन जो है उसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट इनका हार्ट जो है वो ट्यूब्यूलर होता है और डिवाइडेड होता है फर्दर इनटू चेंबर्स. इंसेक्ट्स में हार्ट कैसा है, ट्यूब्यूलर है, डिवाइडेड है इनटू चेंबर्स. रेस्पिरेशन ट्रेकिया से, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होती है, मालफीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और यूरिक एसिड जो है वो इनका मेन एक्सक्रीटरी कॉम्पोनेंट होता है. तो जो एक्सक्रीट होने वाले मेन कॉम्पोनेंट्स में क्या आता है, यूरिक एसिड आता है. फिर इसके बाद मैंने यहाँ फेरोमोन्स लिखे हैं. फेरोमोन्स क्या है, ये केमिकल हॉर्मोन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने में इन बिटवीन द इंडिविजुअल्स. तो जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स होंगे इस क्लास के, वो फेरोमोन्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. ये एक्टो हॉर्मोन्स होते हैं, बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं. इवन ये स्मेल से ही, इंसेक्ट्स जो है वो फेरोमोन्स की स्मेल से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दे कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ फेरोमोन्स. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद इसके एग्जांपल कॉकरोच, बेडबग, टर्माइट्स, बटरफ्लाइज एंड मेनी मोर. आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं इंसेक्टा क्लास के, बटरफ्लाई और मॉथ. जो बटरफ्लाई है ये एक्टिव होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, दैट इज दे आर डायर्नल. जो मॉथ है वो एक्टिव होती है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, सो दे आर नॉक्टर्नल. जो बटरफ्लाई है इनकी बॉडी रोबस्ट नहीं होती, बट आई मीन बाय रोबस्ट इज स्ट्रांग, टफ नहीं होती. लेकिन जो मॉथ है दे आर ऑफन रोबस्ट. जो बटरफ्लाई है इनके एंटीना नॉब्ड होते हैं डिस्टली, ठीक है. और जो एंटीना है मौत के वो टेपर्ड होते हैं डिस्टली. देन बटरफ्लाई के केस में क्या है, जब ये रेस्टिंग स्टेज में होती हैं, आप देख सकते हो पिक्चर में भी, इनके जो विंग्स हैं दे आर वर्टिकली टुगेदर ऑन देयर बैक. और मौत के केस में जब ये रेस्ट होते हैं, अगेन पिक्चर में देखो, विंग्स हेल्ड आउट हॉरिजॉन्टली, वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होते हैं. अब हम लोग फिफ्थ क्लास देखेंगे अरैकनिडा. बॉडी डिविजन क्या है, सेफेलोथोरिक्स एंड एब्डोमिन. सेफेलोथोरिक्स जो है वो बियर करता है सिंपल आईज और सिक्स पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस. कौन कौन सी है,
वन पेयर चेलिस्री, वन पेयर पेडिपेल्पी एंड फोर पेयर्स ऑफ लेग्स. ये सिक्स पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं. कहाँ प्रेजेंट होती है? सिफेलोथोरिक्स में. इनकी रेस्पिरेशन होती है बुक लंग्स या ट्रेकिया या बोथ, दोनों के थ्रू. ठीक है, एक्सक्रीशन कैसे होती है? मालफीजियन ट्यूब्यूल्स या कॉक्सल ग्लैंड्स या दोनों के थ्रू. अब यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट होती है. इन केस ऑफ द स्पाइडर्स जो कि वेब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? एब्डोमिनल ग्लैंड्स की सिक्रीशन की मदद से जो स्पाइडर्स हैं वो अपना वेब बनाते हैं. ठीक है, एग्जांपल्स क्या है इसके? स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक, माइट. साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करोगे, पेलेनियस. कॉमनली इसे क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन बोलते हैं. तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी है? डायरेक्ट डेवलपमेंट है या अरैक्निडा के फीचर्स हो गए. एडिशनल दो क्लासेस और होती हैं, वो है ऑनाइकोफोरा एंड मीरोस्ट्रोमेटा. इनमें क्या है? ऑनाइकोफोरा का एग्जांपल है पेरीपैटस. पेरीपैटस क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. डू मार्क इट एंड डू लर्न इट. जो पेरीपैटस है ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. क्यों इसे हम कनेक्टिंग लिंक बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी अनजॉइंटेड लेग्स है, सिमिलर टू दैट ऑफ द एनेलिड्स, क्योंकि उनमें ज्वाइंटेड लेग्स नहीं होती. लेकिन ये ब्रीथ करते हैं बाय ट्रेकिया, और रेस्पिरेशन जो है वो आर्थ्रोपोड्स में किसके थ्रू होता है? ट्रेकिया के थ्रू. अनजॉइंटेड लेग्स एंड ब्रीथ बाय ट्रेकिया, दिस मेक्स पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. अगला क्या है? मीरोस्ट्रोमेटा क्लास है. मीरोस्ट्रोमेटा का एग्जाम्पल क्या है? लिम्युलस. लिम्युलस का कॉमन नेम क्या है? किंग क्रैब या हॉर्स शू क्रैब, कुछ भी बोल सकते हो. ये रिस्पायर करता है बुक गिल्स के थ्रू. आपको पता है बुक गिल्स का प्रोमिनेंट फीचर क्या है? लेमिला होगा, पैरेलल होगा, सिमिलर टू दैट ऑफ दी पेजेस ऑफ बुक्स. उसके बाद ये लिविंग फॉसिल है. लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है? आज की डेट में इसके पास प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. ठीक है, प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर के जी रहा है अभी तक, इस डेट में भी है ये. तो इट्स अ लिविंग फॉसिल. क्लियर? तो ये ऑनाइकोफोरा मीरोस्ट्रोमेटा वाला इंपॉर्टेंट है. ये अरैक्निडा के पॉइंट्स हैं. यहाँ पे आपने कनेक्टिंग लिंक के बारे में देखा और लिविंग फॉसिल के बारे में देखा, दैट इज लिम्युलस. सो हियर वी एंड अप विद द फाइलम आर्थ्रोपोडा. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फाइलम मोलस्का. जैसे मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था, वैसे ही मैं अभी आपको एंड में भी बोल रही हूँ. ये फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना. मैं आपको वापस इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी. क्वेश्चन, लेक्चर, किसी भी चीज से कोई भी डाउट है रिलेटेड आप लोगों को, आप लोग उसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना मेल दिया है, आप मेल के थ्रू पूछ सकते हो. आप लोग मेरा इंस्टाग्राम पे बायोचक्र नाम से पेज भी फॉलो कर सकते हो, जिसपे मैं बहुत सिंपल स्टडी नोट्स प्रोवाइड करती हूँ. सो गाइज, एट दी एंड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग. थैंक यू. Guys, here you have your questions. Do practice them. In case you have any doubt, be free to ask. Don't forget to like, share, and subscribe my channel. Keep learning, keep working.